गुड मॉर्निंग क्लास क्लास सिक्स सीबीएसई वैष्णवी सॉरी विधि एंड वेदांशी, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्या फिफ्थ चैप्टर का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सबसे पहली चीज जाने क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, फोर। एक ऐसा ऐसा फिगर जो कि बाउंडेड है फोर साइड से, ठीक है, और कितने एंगल्स हैं उसके पास, फोर एंगल्स हैं, जिन सभी एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 360 हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। कुछ बेसिक क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे और उसको आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन करिए, क्लासिफाई करिएगा, जहां कहीं भी डाउट हो पूछिएगा। सबसे पहला स्क्वायर क्या है, सबसे पहला क्या है फिगर स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, जिनकी सभी साइड्स इक्वल होती है, सभी साइड्स इक्वल होने के साथ साथ सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, सभी जब एंगल और सभी साइड इक्वल होते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक क्वाड्रेटर बन जाता है, ठीक है, एक क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो जाता है, स्क्वायर। क्या हो जाता है, स्क्वायर। सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक एंगल क्या हो जाएगा, 360 बाई 4, क्योंकि 4 एंगल्स हैं और सभी इक्वल, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सभी एंगल्स कितने कितने होते हैं, 90 90 डिग्री होते हैं, और जो डायगोनल होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जहां कट करते हैं वो भी 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री, जहां कट करते हैं वो भी 90 डिग्री, डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल पार्ट में जहां पे डिवाइड करते हैं वहां पे इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। तो आप जान गए कौन सा फिगर हो गया स्क्वायर। चलिए दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, चार साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल सभी इक्वल होते हैं, कितने कितने डिग्री, 90 90 और 90 डिग्री, ठीक है। जो डायगोनल्स होते हैं वो है, वो भी इक्वल होते हैं डायगोनल्स भी, ठीक है, और जहां कट करते हैं वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं डायगोनल्स भी। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों साइड पैरेलल होते हैं, जैसे स्क्वायर में भी सभी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। पैरेलल साइड कौन सी साइड है, जो जाके कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, चाहे जितना ज्यादा हम लाइन को एक्सटेंड करें वो कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। चलिए फिर हम देखते हैं क्या है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, सभी साइड्स पैरेलल होती, पैरेलल मतलब पैरेललोग्राम से ही क्या है, सभी साइड पैरेलल, पैरेलल मतलब कि एक दूसरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं साइड, और इन दोनों लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, और पर्टिकुलर इन लीनियर पेयर का भी सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्या है, पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्रेपेजियम एक होता है,
ट्रेपेजियम क्या है? ये हाइट, ये हाइट, ये क्या है? पी वन, ये है पी टू। देखिए अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम क्या होती है? पैरेलल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। और उनके बीच में जो हाइट है वो ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम भी क्या है, इसमें कितनी साइड्स हैं? फोर साइड्स हैं। सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रोमबस, रोमबस की सभी साइड इक्वल होती हैं एज स्क्वायर, बस खाली एक खासियत है कि 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या कैसे देखा, किस किन क्वाड्रेटर को क्लासिफाई किया? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रेक्टेंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं क्या? तो आप बोलोगे फॉल्स, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। फिर कहेगा रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्या? कहोगे हाँ, यस। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। भाई 90 90 है तो क्या फर्क पड़ता है, इक्वल तो है ना। आपसे पूछेगा अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो बोलोगे यस ट्रू। स्क्वायर को बोलोगे एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, तो बोलोगे यस ट्रू, क्योंकि एडजेसेंट साइड मीन कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड क्या होती है जरा देखिए, एडजेसेंट साइड कौन सी? अगल और बगल में। सभी साइड इक्वल है तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगी, सीधी सी बात है। आपसे पूछेगा कि कहते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल मैंने बोला था सामने की साइड इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड का ये साइड साइड के इक्वल है? तो आप बोलोगे नहीं, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती। आपसे पूछेगा रोम्बस का क्या एंगल 90 डिग्री होता है? आप बोलोगे नहीं होता है। तो क्लासिफाई मींस क्या, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फिगर है। और जब आपसे पूछे क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? ऐसा एक फिगर जो कि फोर साइड से बाउंडेड हो। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कहते हैं, क्लासिफाई करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। होपफुली बड़ी तेजी से वेदांशी हो गई थी, हम लोग क्या कहते हैं फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, और जितनी जल्दी फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी ही हम मिलेंगे फोन कॉल पे। ठीक है, फोन कॉल पे हम मिलेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। फोन कॉल पे मिलने का मतलब है कि आपको फोन कॉल के दौरान क्या करना है, एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है, उसके बाद बैठना है। रेगुलरली आपको पहले चीजें समझाई जाएंगी, समझाई जाने के साथ साथ आपको डाउट्स जो हैं वो आप पूछोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्सप्लेन भी की जाएंगी, और संडे को आपको टेस्ट दिया जाएगा, ओरल टेस्ट। और जिस टेस्ट का जो नंबर होगा, उस ओरल टेस्ट का नंबर डिस्प्ले किया जाएगा आपके ग्रुप पे, पेरेंट्स ग्रुप पे। बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये समझ लीजिएगा कि नंबर जरूर पड़ेगा ग्रुप पे, और वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसा परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, गंदा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, खराब परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पे हमें छोड़ रहा, वर्क करो, होमवर्क करो, प्लीज करो, होमवर्क भेजो, डाउट्स भेजो, जो कुछ पूछना हो पूछो, लेकिन प्लीज टाइम पास मत करो। रीजन ये है कि अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो भगवान भी आपके साथ अच्छे से टाइम पास करेंगे। प्लीज टाइम पास मत करो, इस समय का उपयोग करो। मैं नहीं कह रहा हूँ घर से बाहर निकलो, लेकिन घर में ही रह के उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए इस वीडियो। नमस्कार।